तो बताए ना भाई जहाँ पे, वैसे तो छजन भाई बहुत अच्छा करते हैं खान साहब से देख 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 के, और जहाँ पे अगर भूल जाए तो थोड़ा सा बता देते और कुछ भी नहीं। आप नहीं खान साहब, मेरा ख्याल है समझ आई या ना आए सारे माड़ी गए। और अब एक्चुअली सॉरी मैं भूल गया था, कैसा चल रहा है आपका ये माशाल्लाह शूट? कहते बहुत अच्छा जा रहा है आपका। हाँ जी, तो कैसी परफॉर्मेंस लगी वाहिद खान साहब की और भाई तो सुपरस्टार अहमद भट्ट साहब, पहली दफ़ा आप उनके साथ? हाँ, इस बार फर्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एनवायरनमेंट कैसी लगी? बचपन से देखते आ रहे हैं वो बीटीएस साहब से। एनवायरनमेंट कैसी लगी आपको? और सुनाए तबियत भाई? अच्छा, बड़ी मशहूर पॉडकास्ट आपको मैं देखता हूँ, खूस वो आप ही जो अनुभव पानी हैं वो भी बड़ा अच्छा मुझे आज लगा। भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो पैसे पूरे तो में आ रहे हैं कि नहीं? शुक्रिया। चलते मोर में पाक होंगे कितों भी आ सकते। थैंक यू सो मच भाई। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं माइंड ना करना, और अब वक्त होता है माइंड द न्यूज का। शुक्रिया, आज की ताजा तरीन खबरें और मेरा साथ देंगी प्रवीण लंगड़ी जी। पहली खबर तो आपकी निकली है। अरे मेरी खबरें तो आपको पता है बीबीसी पे आती हैं, आजकल अलबेला टीवी पे भी आती हैं, लेकिन आप भी सुनाइए। एक रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल, मुझे नहीं आ रहा, रवा साल, रवा साल गडों की, गदों 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 होते औलाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। एक खबर के मुताबिक रवां साल गदों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, लेकिन लिखने वाला ये भूल गया उन गदों का नाम नहीं लिया जिन्होंने इंडिया से हरवा दिया था। नहीं, आप भी तो नहीं इसमें शामिल थे? नहीं, मेरी तो बात जब भी होगी बब्बर शेर वाली होगी। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पढ़ रही जे हो
तुसी ज़ेहन च रखना, वो पढ़ी जा रही है। अच्छा अच्छा ठीक है। यस तुसी है ना समझो, बस वो आप देखते रहे आपके इंसर्ट्स बने, आपको हंसाते रहेंगे इन्हीं बातों से। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? आप देख ले हैं माइंड ना करना, और मैं जैसे बोल रहा हूँ बिल्कुल माइंड ना करना। आज मेरे साथ क्रिकेट टीम की सुपरस्टार मौजूद हैं, पहले तो उनसे तारफ करवाते हैं और मिलवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। निदा डार साहबा, आपको पता है जैसा कि इनका गुजरांवाला से ताल्लुक़ है, लेकिन ये अभी जूनियर है, मेरे बच्चों की तरह हैं, जैसे मेरी बेटियाँ घर में बेटे हैं वैसे। मैं चाहता हूँ इनको थोड़ी टिप्स दूँ, इनको बताऊँ क्रिकेट की दुनिया में आपने कैसे कामयाब होना है। अच्छा बेटे, सबसे पहले तो टिप ये है कि जब भी कढ़ाई बनानी है घर पे, अदरक लंबा लंबा काट। कढ़ाई बनाने के लिए कुछ देनी है? क्रिकेटर अगर खाएगा नहीं तो भला कैसे होगा? आप क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर को कैसे आपने टिप्स देनी है? मैं कह रहा हूँ क्रिकेटर थोड़ा बहुत खाएगा, उसके दंड बनेंगे, उसकी सेहत बनेगी, फिर वो छक्के चौके लगाएगा ना। आपने तो कश्मीरियों वाली बात कर दी, क्रिकेटरों वाली बात की। हालांकि कश्मीरी ये हैं और इल्ज़ाम आज मुझ पर लगा ले। आए मैं निदा जी आपको थोड़ी टिप्स दे दूँ ताकि ज़िंदगी में आपके काम आए। ये सामने विकेट बनी हुई है, आए मेरे साथ। अच्छा बेटे, पहली बात तो ये आपने देखा होगा मिसबा भी एक शॉट अक्सर लगाते हैं, गलत लग जाती है, बॉल को ऐसे पीछे को कर दे। ये वाली शॉट जब भी लगानी है ना, सबसे पहले जेन बनाना है कि बल्ला उल्टा पकड़ना है, ताकि हो सकता है बॉल इधर लगे, इसकी जो कर्ल है ना, जो कुब निकला हुआ है, इस पे अगर बॉल लगेगी तो साथ आपने यूं करके घूमना है ताकि वो कैच ना जाए, फील्डर के पास कहीं और जाए, कहीं और जाए। अच्छा ये जो कैच है, मुझे याद आया, ये जो मिलर का इन्होंने कैच पकड़ा है, वो बेसिक तो छक्का नहीं था, लग रहा था छक्का है। तो ये इंडिया वाले बेईमानी करते हैं, रेट ऑफ द मोमेंट निकल गया। नहीं तो जब लड़कियों का मैच होता है सामने इंडिया की टीम होती है, तब भी वो बेईमानी करते हैं? इतना ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये तो इतना टीवी स्क्रीन पे चल रहा था, लेकिन आई थिंक डिजर्व करती है इंडियन टीम, अच्छा खेलती। अच्छा तो हमारी टीम डिजर्व नहीं करती? हमारी टीम तो बहुत कुछ और भी डिजर्व करती। ख्वातीनों हज़रात, ये ब्रेकिंग न्यूज़ से कम नहीं है कि बाबर आजम डिजर्व नहीं करते, ये निदा जी कह रही है। दिल क्या करता है आपकी शादी क्रिकेटर से हो या कोई बिजनेसमैन हो या किसी और शोबे से हो? क्रिकेटर्स
एक जैसा प्रोफेशन हो, एक जैसा प्रोफेशन हो। नाज़रीन ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ से कम नहीं है, शादी क्रिकेटर से करना चाहती हैं लेकिन कहती हैं हमारी टीम डिजर्व नहीं करती। आपने सारी मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ निकाल ली। मैं पहले अपने टिप्स इनको देता हूँ। अच्छा तो बैट तो ठीक कर ले। बैट बिल्कुल ठीक है, प्लास्टिक का बैट है बेटी। अब मैं भी तो बुढ़ा हो गया हूँ। अभी तो बच्चा नहीं, वो मैं क्या फंस गया होने लगा यार। ये तू ही समझा रहे यार, कैमरे वाले सामने बैठा होता है यार, तू बता दे मैं किस चीज की स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आपकी सबसे फेवरेट शॉट कौन सी थी? मेरी सबसे फेवरेट शॉट थी ये, देखें ऐसे सामने बॉलर आया, ये घुटना लगाया, ऐसे कहा के जान आई लव यू। अच्छा पहले बैठे आए, चाय पीते हैं बैठ के। मैं आपको ना एक लड़की से और मिलवाता हूँ। अच्छा, बहुत बली कलिकत की स्टाइल है वो। और आपकी शागिर्द भी? शागिर्द है बच्ची अपनी। अब ले बात सुन, काओ प्यार से कहता हूँ, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। बात की चेयर पे बैठ जाओ। वो ना ना हो मैंने भी बैठे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? तबीयत ठीक है। ये मेरी शागिर्द है, छोली हेल्थी हो गई है। मुझे बोल रही है कि मुझे बताए क्रिकेट कैसे खेलो। मैंने कहा आजम खान खेल सकता है, तुझे कौन सी मौत पड़ गई। एक्स गर्लफ्रेंड आजम की। यस ऑफ कोर्स, मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी, मैं सरप्राइज देना चाह रही थी। तो अगर आप माइंड में करें तो मैं शायद एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। और बीच बीच में इसके अंदर एक मर्द भी आ जाता है। मेरे सर में जूही जब भी पड़ती है मैं हाथ पे सर रख के तो निकालती रहती हूँ, परेशानी नहीं होती। एक दिन इसकी विग गुम हो गई, मुझे कहती विग लॉस। ओ जो बचा था वो भी खाने के लिए आई हूँ वो दिखाने के लिए। ये मेरे हस्बैंड ने हाँ प्रमोद भी इसे यही कर ले। मुझे बड़ा प्रमोट कर दी। ये इनकी ले पालक वाइफ है। अच्छा क्रिकेट का मैच शुरू होने से पहले पिच पे आपको फेरते हैं ना? और नहीं ले मुझको फेरते। आपको पता है कि जब मैं छोटी थी आया से नहीं भी अच्छी लग रही मुझे। बहुत अच्छी लग रही। आप ट्राई करेंगी? नहीं ओके तो मैं तो कर रही हूँ। नहीं आप पे ही अच्छी लग रही।
खावा मैं परसा। जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए मतलब कि मैं हमेशा महसूस किया कि मैं नहीं कर पा रहा तो मैं हमेशा सजदे च ही मतलब के चला जाना वा जो परफॉर्मेंस होती है जो भी मेरी कामयाबी होती है जो भी टाइटल जीतता है ये अल्लाह की मदद के नाल ही जीतता है माशाल्लाह। मैं सब तो पहले अपने अल्लाह का ही शुक्र अदा कर रहा। तो ज़्यादा खुश तुसी होंदे हो या साडे मां जी होनी होंदे ने दोवां दी खुशी दा की हाल है? बड़ा मुश्किल जिहा सवाल है। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा खुश तो माँ ही होंदी है जाहिर है, लेकिन असी जो एज ए हूँ मैं भी एक प्यो हाँ जाहिर मेरे भी बच्चे ने जिनी खुशी प्यो नूं होंदी है औलाद की कामयाबी की वाकई दुनिया तो कोई तुहाडी कोई दोस्ती कोई शख्सियत इन्ना खुश नहीं हो सकती जिन्ना प्यो हुंदा। तो बट साहब जो तुम आप करते सो वेट लिफ्टिंग उदो सादा दौर से उदो इंज कवरेज भी नहीं सी सोशल मीडिया भी नहीं सी ते तुसी भी रिकॉर्ड होए हो कैमरिया जी? बिल्कुल उस वक्त पी टी वी शो दे विच मतलब कि कुछ चलता ही लेकिन बहुत कम मतलब एक तो अखबार भी उसके अलावा इतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो तुसी भी बिलोंग टू गुजरान है जी? गुजरान। तो गुजरान वाले भलवाना का शायद सही कहा जाता है कि माशाल्लाह तुसी हले तक वो भलवानी की जी लैगसी है लैके चल रहे हो जिद नूह भाई का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनाम बट का बड़ा है होर जिन्हें भी बड़े बड़े भलवान साढ़े पुराने गुजर गए हैं उन्हों का भी तो दूसरे जोड़े साढ़े स्पोर्ट्समैन ने जिस तरह इनाम बट या होर भी मुंडे उन्होंने बारे की कहें हो कैसी मेहनत कर रहे हैं बेहतर ने? बिल्कुल जी मेहनत मेरे ख्याल गुजरान जी घुटी के बच्चे कि हर कोई तकरीबन जरा ना मतलब के ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਟ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਟ ਲਿਫਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਵਾਹ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੋ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਮੈਡਲ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਕਾਇਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਵਾਹ। ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੱਕ ਰਹਿਣ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੂਲਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੀਐਮ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਫਾਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? चलो कुछ ना करें अगर हर सिटीज़ के अंदर क्या कहते हैं चलें हर सिटी में भी छोड़ें आप सिंगल पर्सन पे आ जाएं कि अगर मैंने कॉमनवेल्थ गेम में मेडल लिया है तो भी ओलंपिक्स में तकरीबन 2 साल पड़े हुए तो अब कुछ लड़के हैं जैसे अर्शद नदीम हो गया मैं हो गया और भी जो गेम्स के अंदर जो सिंगल सिंगल लड़के हैं जो टॉप पे हैं सो उनको पिक करके उन्हें इंटरनेशनल ट्रेनिंग दी जाए उन्हीं को पकड़ के सिर्फ पॉलिश किया जाए 2 साल लगातार उनको ट्रेनिंग दी जाए
वो मेरा नहीं ख्याल कि ओलंपिक्स में मेडल नहीं लेकर आ सकते, तो बड़े आराम से मेडल लेकर आ सकते। बस सर तुम ये दसो मैनू कि मैं यानी अपना वेट जोड़ा वो लॉस कर सकना? बिल्कुल कर सकते। किस तरह बॉडी बिल्डर बन सकना? मैं ना जी तुम जो चाहो कर सकते हो, इरादा कर लो तो मतलब मेहनत करो तो कामयाबी जरूर मिले। लाजमी गल कर सकते, लेकिन कोई टिप मैंने कोई टिप दो। और टिप मामा तू वेटर है जरा तेन टिप दे जाने? टिप पैसे वाली नहीं होंगी हर बार उ मंग रहे हैं। अच्छा तो थले बै हमने वेख लें थले बै एडा भलवान है इंज करके हाए इंज लो जी तुम भी करना नूह भाई इंज नहीं वो वाले हाथ ना करो जरा ए इंज ये बह रखो जरा ये धोन से अपनी बह ऐ उधरों की घुमा हाथ जरा पालो शिकंजा एक दा हुण पुछो हुण पुछो केड़ी टिप लैनी है पाण मैनू मेरी मां दी कसम होनी गा चल तो कसम ही हो गया पाण दा तुहानू जिंदगी दे माशाल्लाह पता लग गया हड्डा जोड़ा दा भी अल्लाह दे रहमत मार अदो सीरियस पढ़ लिया हंस हंस च बहुत घुट रहे सर बहुत शुक्रिया कसम बहुत मजा आया तुहाडे नाल अज शो करके भी और वाजिद भाई ते मैं यही गल कर रहा सां कि असल स्टार है लोग क्या बात असल स्टार तो शजर बहुत अच्छा है क्या बात सुपर स्टार है छोटा शजर बहुत अच्छा बच्चा है और सब तो ज़्यादा दोस्तों नाजरीन खुशी मैं इस गल दी है कि जिस तरह भैड़िया चीज़ों की गल कर लें अजकल दे बच्चे शीशा पी रहे ने स्मोकिंग कर रहे ने मुख्तलिफ नशियां ते लगे ने यह जड़े लोग ने सही मायने च पाकिस्तानी नेशन नू कौम नू यह पैगाम दे रहे ने कि तुसी ऐसा काम करो जिदे च तुहाडी बॉडी तुहाडी सेहत भी ठीक होवे तुहाडे मुआशरे दा तुहाडे मुल्क दा नाम भी रोशन होवे ते हमेशा साडियां दुआवां तुहाडे नाल ने नूह भाई दसगीर भाजी बड़ी मेहरबानी सलामत रहो जदों लाहौर आओ यह भी शो तुहाडा अपना है साडे घर तुहाडे अपने ने जदों दिल करे एक बैल करो असी प्रोटोकॉल वास्ते इंशाअल्लाह तआला हमेशा आ तुसी दसो असी तुहाडे लई 10-15 मन पावे लै के असी मिल के बैठ के खाइए तो इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। नाज़रीन भाई भाई ने जैसे आपको बता दिया अब हम जाने लगे बाय बाय टेक केयर सर प्लीज़ आप भी हाथ ला दें हाथ पर ले लाना उड़ला नहीं लाना। ओमर एंड अरीबा वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। थैंक यू। एक फैसलाबाद से एक इस्लामाबाद से तो पिंडी बॉय कहाँ गया आप लोगों का? हम दोनों को मिक्स करें पिंडी बॉय बनते हैं। भाई देखो कहते हैं ना कि यूट्यूब की जोड़ी जो होती है वो तो बनती ऑनलाइन है लेकिन आप दोनों की जोड़ी ये कहाँ बनी? बताने वाली नहीं। क्या मतलब है पहली मुलाकात कैसी हुई अभी तक याद नहीं? हम एक पॉडकास्ट में बैठे थे दोनों एक साथ अलग 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 किसी और की पॉडकास्ट में ये को होस्ट थे इनके दोस्त थे उस वक्त उन्होंने मुझे इनवाइट किया था अपनी पॉडकास्ट में और इनकी नियत खराब होगी पॉडकास्ट के बाद जरा मिलेगा आओ ना जरा आ हा ओए होए आपने वो तो नहीं किया। अच्छा ये बैठे हुए वैसे हाँ ये है कि माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ हिम वॉज दैट ही वॉज लाइक रियली फनी आई लाइक हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। तो फैसलाबादी है ना बेचारा मजबूरी तो देखिए हम जो है ना फैसलाबादी सख्त लौंडे वो ह्यूमर पे रिलाई करते आगे हमारा कोई चांस नहीं होता। एग्जैक्टली तो उसके बाद बस वी जस्ट स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर और माशाल्लाह 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए भाई इतनी तो लोगों की शादी नहीं चलती। तो ये जोड़ी लिमिटेड सिर्फ ऑनलाइन ही है या? नहीं नहीं उमर इज एक्चुअली मैरिड माशाल्लाह से एंड आई एम आल्सो फ्रेंड्स विद हिज वाइफ। आप क्या बात कर रही हैं मतलब भाई चार चार की यहाँ इजाजत होती है मैं तो ऐसे ही बात करो। अच्छा मैं बल्कि इनके लिए ढूंढ रहा हूँ कोई मैं इनके लिए ढूंढ रहा हूँ ताकि ना कोई जो है वो जो लोग शक करते हैं उनका खत्म हो जाए। भाई याद होता फिर आपने समझो ढूंढ लिया। अस्सलाम वालेकुम खवातीनों हजरात इस वक्त हम मौजूद हैं महवश हयात के वॉशरूम में। आप देख सकते हैं कितना प्यारा और खूबसूरत बाथरूम उन्होंने बनाया हुआ है। हैं ये उनके बाथरूम में कौन लोग बैठे हुए हैं? ये लोटा नहीं है। हाँ, ये हमारी फ्रेंड है। लोटा होता तो इनकी सियासत में काफी कदर होती। भाईजान आप हैं कौन? जिसने मुझे नहीं पहचाना वो मूर्ख इंसान नहीं। मेरा ख्याल है पिछले 20-25 साल से आपने टेलीविजन देखा ही नहीं। ओ परां वड़ाए साहब क्या हाल है? सुहेल वड़ाए जी जी सर अल मारूफ चौधरी साहब। अरे वड़ाए साहब आए हुए हैं सर। वड़ाए साहब अगर आप आ गए हैं तो प्लीज आपकी कॉफी भी तैयार है हमारे साथ बैठे और शो जरा एंजॉय करें। मैं शो एंजॉय नहीं मेरी जान
मैं उमर के साथ और अरीबा के साथ बहुत सी बातें करूंगा, आप समझिए आज के शो में से कट हो चुके हैं। ओ अभी था, प्लीज बैठे, मेरा भी इंटरव्यू ले। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका बाथरूम 5 मरले में है या 3 मरले में? रीवा, आप यूएसए पढ़ के, आप मतलब भाई पढ़ाई पूरी कम्प्लीटली की या वहीं कह दिया एब्सोल्युटली नॉट और वापस आ गए? नहीं नहीं, मैंने एक्टिंग ग्रेजुएट होने के बाद परसू की। अच्छा एक्टिंग, अच्छा। हाँ। और आपके वालदैन का ये जो ख्वाब आपने तोड़ा है कि आपने उनको बताया कि मैं एक्टर बनना चाह रही हूँ, क्या रिएक्शन था उनका? रिएक्शन इट दे वर हार्ड टू कम बाय, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत एकेडमिक हैं, मेरी ददियाल सब, आई कम फ्रॉम अ लाइन ऑफ टीचर्स, और मेरे अपने वालिद साहब केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, अरे वाह, कायदे आजम यूनिवर्सिटी, बड़े उस्ताद जी। तो आपने उनको जब ये बताया कि पापा मुझे एक्टिंग का कीड़ा लड़ गया है, ऐसे नहीं, इन्होंने कहा पापा आपकी परी उड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, ऐसी ही बात है। और आई थिंक फॉर एनी पेरेंट ये बड़ा मुश्किल होता है कि एक बच्चा यू नो एडल्ट हो गया, अपने डिसीजंस खुद ले रहा है, बिकॉज दे आर सो यूज्ड टू सीइंग अ लिटिल बेबी। सो व्हेन आई टोल्ड, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर यू? आई जस्ट हैव अ यंगर ब्रदर। अच्छा, हाँ, अब तो और भी मुश्किल होगा। हाँ, बिकॉज एवरीबडी वॉज लाइक तुमने एक एग्जाम्पल सेट करनी है छोटे भाई के लिए, और वो मुझसे काफी छोटा है, तो मैंने आई जस्ट अच्छा एक्चुअली मुझे ड्रामास मिलने स्टार्ट हुए मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद, लेकिन एक्टिंग मैंने पहले स्टार्ट की थी, आई डिड माय ब्रॉडवे इन अमेरिका, मैंने न्यूयॉर्क ब्रॉडवे में परफॉर्म भी किया। ओह वाह, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। आई डिड टू। और आपने फैसलाबाद में कहाँ डंट चुके? मतलब वो ब्रॉडवे से यार देखिए हमारे फैसलाबाद में ना एक स्टेज है, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल, क्या बात। तो वहां पर हमने थिएटर किया, काफी किया है, मतलब वो एक लेसन बेस्ड होते हैं, जो ये करते हैं वो नहीं होते। उमर आपको कहना चाहिए उन्होंने ब्रॉडवे से आगाज किया, मैंने तो भी कार्डवे से की। चुड़ैल बिडासा, बिल्कुल सही कह। अगर जुगते ही करवानी थी तो ये काफी नहीं थी। मैंने देखा कि आपकी जितनी भी वीडियोस होती है उसके अंदर कोई मैसेज होता है, तो ये पहले से आप लोगों का प्लान था कि नहीं भाई मैसेज के साथ ही करना है? नहीं, स्टार्ट में नहीं था, स्टार्ट में हमने ऐसे ही किया था, मतलब रैंडमली हंसी मजाक किया था, बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि अगर मैं कोई मैसेज नहीं देता हूं तो मेरे कंटेंट में और एक जो डेली व्लॉगिंग करते हैं या रैंडम कोई बना रहा है ऐसे फनी एंटरटेनमेंट है, उसमें क्या फर्क है? राइट, सो मैं चारों चले एंटरटेनमेंट चल रही है, एंड पे एक मैसेज भी जाए तो आई थिंक उसका मुझे रिवार्ड मिला है कि लोगों ने कहा यार हम फैमिली के साथ बैठकर देखते हैं, क्योंकि आपकी जो है ना पॉडकास्ट में एक मैसेज होता है। मैसेज मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन अरीबा का नंबर नहीं है। अरीबा वॉशरूम बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, आप हम, तो 3-5 मरले कर रहे थे, हमारे तो घर बन जाते हैं उसमें पूरे। कोई बात नहीं, किसी का वॉशरूम दिखा के आपकी इज्जत बना देंगे। कभी विमेंस क्रिकेट टीम के अंदर ऐसा कुछ माहौल पैदा हुआ है कि कैप्टनसी के खिलाफ बगावत हो गई हो कि मैं नहीं तेरी गल माननी? नहीं, क्योंकि 3-4 ही तो कैप्टन बने हैं जब से टीम बनी है, तो बगावत वाला सीन तो अभी नहीं है, अभी तो नहीं है। मगर आपको कौन लग रहा है पोटेंशियल बैट्समैन आपकी टीम में अभी, कौन है? अच्छा 2-4 हैं जो जिनके अच्छे रिकॉर्ड्स भी हैं, सिद्रा मेन हमारी अभी तक 4-5 सेंचुरीज मार चुकी हैं पाकिस्तान की तरफ से, क्या बात। मुनीब अली हैं हमारी, बड़े जबरदस्त स्ट्राइक रेट से खेलती हैं, जैसे फखर खेलते हैं वैसे उसका स्टाइल है। आहा। जी वैसे भी लड़कियों की टीम में बगावत नहीं होती, इनकी शादी होती है। आपको तो पता है कि क्रिकेट की दुनिया जो है वो पॉलिटिक्स और बड़ी ज्यादा गॉसिप का शिकार रहती है। हमारे दौर में नहीं थी, अभी हुआ है ये सब कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने कहा कि क्यों ना कोई ऐसी गेम करें और जिसके अंदर हमें किसी नए चेयरमैन को सिलेक्ट करें, क्योंकि बात आ रही है कि जी चेयरमैन भी चेंज होना चाहिए, सर्जरी भी होनी चाहिए, तो कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे, आपने चूज करने की इनमें से कौन चेयरमैन होगा। अच्छा, पहली जो हमारे पास तस्वीरें हैं वो ये हैं, आहा हफीज और मिसबा, दोनों आपको पता है बड़े कमाल के क्रिकेटर्स और उनका करियर रहा है, लेकिन मिसबा इज मिसबा। आपको लगता है कि पीसीबी चेयरमैन इन दोनों में से किसको होना चाहिए? हफीज ठीक है। हफीज क्यों? हफीज तो ये मिसबा मारूफ नहीं? नहीं, ये मिसबा मारूफ नहीं है। हफीज भाई की थोड़ी अप्रोच ज़्यादा पॉजिटिव है, अग्रेसिव है, और ऑलराउंडर भी रहे हैं, तो दोनों तरफ को कवर कर सकते हैं अच्छे से। वेरी गुड। ये ब्लेकिंग न्यूज़ से कम नहीं है कि यहाँ पे बैठ के निजा डाल ने ये इंकसाफ किया है कि ये जो हमारे मिसबा भाई हैं इनको कुछ नहीं आता और हफीज भाई बैठे। कब कहा उन्होंने? यार हमने तो बीच में मिर्ची मसाले डाल लिए। और माशाल्लाह वेखे ओदी मुछा किडियां सोनियां चुंझां वालियां, इहो जिहा बंदा इत्थे नींबू रख के तमाशा कर रहे हो। हमने हफीज को मान लिया और मिसबा जी को अपने घर भेज दिया। नेक्स्ट,
अब इन दोनों में से बताएं कौन होगा? आपने मुझे निकलवाने का सोचा हुआ है? नहीं 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 भाई, आपसे शुरू करते हैं। रे मैं तो इंजी नु पसंद ही नहीं करांगी। क्यों? रन आउट हो जाते हैं। ओ मुझे तो ये देख रहे कितने अच्छे मूंछों को ताओ दे रहे हैं। ऐसे हफीज जैसे मैन जो अच्छे लगते हैं। अच्छा। और जवानी जवानी फिर नहीं आनी। आपकी फिल्म का नाम तो तो इसका मतलब आप कह रहे इंजी नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मैं यार इंजी को कहूंगा, माला पुलाना कोलीग भी है और सीनियर आदमी है, मेरी तरफ से इंजी है। आप इंजी कह रहे हैं, मेरीन आप क्या कह रही? So I don't know much about cricket but I think I'd go with the one on the left. Oh, one on the left जो कि मुझे क्रिकेटर लग रहा है। शायद वो क्रिकेटर है। जी आप बताइए। हां स्टिल हफीज भाई। स्टिल हफीज भाई, हफीज भाई पे कायम है। इंजी को हम लोग खुदाफिस कह रहे। ओके जी खुदाफिस इंजी भाई। मोहम्मद यूनुस साहब, अरे वाह 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 वाह। जी सर आप बताएं। यूनुस खान। यूनुस खान, यूनुस खान की तरफ जा रही हैं, अपना वोट उन्होंने बदल दिया। हफीज भाई की छुट्टी। जी हफीज भाई की छुट्टी होना चाहिए यार। हफीज होना चाहिए मगर उन्होंने आपके खिलाफ ही जाओ। उन्होंने यूनुस कह दिया। कहते ले यार, मेरे अपनी ओपिनियन है। यूनुस इट इज नेक्स्ट। ओह द पिंडी एक्सप्रेस, द रावलपिंडी एक्सप्रेस इन द हाउस। अगर आपने इनको ना चूज किया तो आपको पता है एक व्लॉग आपके ऊपर भी आ जाएगा। हां प्लीज। डेफिनेटली शोएब अख्तर। व्हाई? शोएब अख्तर की अप्रोच बहुत जबरदस्त है और जिस तरह वो डिस्कस करते हैं काफी सारी चीजें क्रिकेट को लेकर, काफी ब्लंट भी हैं। वो इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्रिटिसाइज भी करते तो हैं ही हैं, क्रिटिसिज्म लेते भी हैं, लेकिन वो कुछ कर गुजरने की एक उनके पास सोच होती है, एक इख्तियार होता है। जिस तरह के खुद अग्रेसिव बॉलर थे, ये भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान एक टच दे अग्रेसिवनेस का क्रिकेट। और कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेरा ख्याल है हमारी जो जो टीम है वो एक फ्रंट फुट पे, फ्रंट फुट पे डर खौफ नहीं। कुर्सियां थोड़ी परे ही रखिए, एहो जा स्क्रीन चो भी नहीं इतनी तो स्पीड सी भाई जी। भाई जान अगर ये आएंगे ना तो आप, भाई जान कौन सी, अबे मैंने मैं मतलब है बाजी, अगर हाँ। ये आएंगे ना अच्छा वाहद औलत है जिसके बच्चे इसको अब्बू कहते हैं। लेकिन मैं निदा जी के साथ जाऊंगा। शुएब भाई, शुएब भाई भले आदमी है यार। शुएब भाई ये जी आगे चले। अरे the sultan of swing, या मिस्टर पिंडे या द स्विंग मैन, कौन? सुल्तान ऑफ स्विंग। सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम कावरे ने बड़ा ठीक ठाक क्रिटिसाइज किया भाई, इन्होंने तो मेरे, और जो भी इन्होंने बात की है टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। ओहो सना मीर, आपको तो पता है हमारी कैप्टन भी रह चुकी हुई है, वेमेन क्रिकेट को बहुत इंडोर्स भी करती हैं और उसके लिए जद्दोजहद भी की है, क्या यहाँ औरत औरत को सपोर्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। सना मीर। सना, ओए ओए ओए। सेकंड लास्ट तस्वीर आने वाली है, जरा गौर से देखिएगा। अब बताएं सना या मोहसिन साहब? देखें ये तो है ही है। हाँ लास्ट देखते हैं किसकी तस्वीर है। आप बताएं पीसीबी के चेयरमैन या वजीर दाखला? पीसीबी के चेयरमैन। चेयरमैन। ओके जी। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपको सलाम है कि जी 405 केजी वजन जो आपने उठाया और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो पाकिस्तान का आपने नाम रोशन किया सर, इस पे तालियां जरूर। मगर कुछ लोगों को ये नहीं मालूम कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल भी अभी आपने जीता है जो कि उज्बेकिस्तान में हुआ। जी जी। ये कब हुआ, कैसे हुआ? दरअसल लास्ट मंथ जो है मैंने वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन के अंदर जो है ना फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तरफ से जो है रिप्रेजेंट किया है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार ही पार्टिसिपेशन थी और पहली बार में ही हमने गोल्ड मेडल ले लिया। तो इतना वजन तो आपने उठा लिया, इसके बाद तो घर की जिम्मेदारी ही रह गई उठाने वाली बार। तो मुझे बताए पहलवान में और वेट लिफ्टर में क्या फर्क है मेन? पहलवानी दरअसल रेसलिंग में आती है। अच्छा। जो कि हमारे जो देसी अखाड़ों में की जाती थी पहले। बिल्कुल। और वेटलिफ्टिंग जो है एक जदीद दौर की गेम है जिसमें टेक्निक आपको चाहिए, क्योंकि वेट जो है आप बेढंगा नहीं उठा सकते, आपको एक टेक्निक पूरी चाहिए, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके के साथ आप जो है वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एक बहुत बुरी जो है इंजरी हो सकती है। अच्छा वाकई। यहाँ की एसोसिएशन जो है अभी तक कितने वेट लिफ्टर उन्होंने बनाए हैं या कोई
स्पॉन्सरशिप लेके दी है? दरअसल वेट लिफ्टिंग में अभी तक मेरे से ज़्यादा पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान बना अभी तक मेरे से ज़्यादा वेट किसी ने नहीं लिफ्ट किया। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि मेरे अलावा जो है ना इस वक्त मैंने कोई वेट लिफ्टर ऐसा नहीं देखा कि जो इस लेवल पे पहुंचा हो, इतने मेडल लिए हो। मेरे तकरीबन में बस 25 से 30 मेडल हैं। क्या बात है। मेरा पिंडा नू बट से भी चौड़ा होता था। अच्छा। मेरे पीछे खलो के बंदे कपड़े बदल लेते होंगे सी। I am a disco boxer, da-na-na. I am a disco boxer, da-na-na. I am a disco boxer. भाईजान, फैमिली शो है, ये क्या स्लीवलेस पहन के आ गए आप? आपको शर्म नहीं आती? तो तेरे बावा ही नहीं गई हैं बॉक्सर आलियां। मेले च इहो जिहियां बावां नाल तंदूर च रोटी लाई दी है। मेरी बात सुने, अगर आप कंपटीशन के मूड में है ना तो उनके साथ बॉक्सिंग करके दिखाएं। इहो जी कुड़ी सारी रात पुठा लमकदी। हम चमगादड़ फैमिली से बिलोंग करते हैं ना। आप यहाँ क्या करने आए हैं? एक्चुअली मैंने एक बॉडी बिल्डर है, बड़ा नाम सुना है, नो बट नो बट। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साथ वो आके मुकाबला करें। यस, मेरे साथ मुकाबला करें। 405 किलो वजन उठा लिया तो क्या हो गया, मैं 500 किलो वजन उठा सकता हूँ। कैसे? लेख के चुकलांगा। लो जी, भावे मेरी नज़र कमजोर है, डोले दे ताड़ी ताइयर के हो गए जे। भाईजान, आप कभी बट साहब को मिले? ओ, मैं कभी नहीं मिला, मैंने देखा बस वो वीडियो पे रेड निकर शर्ट पहन के तो वो उठाया। अच्छा भाईजान, ये बट साहब हैं। हेलो बट साहब, कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? नू बट साहब जी, वो लाल कच्छा बेट। मैं भी गल की थी भाई। मैनू नहीं पता तुसी हो। मैनू इतो कटो प्लीज, तानू मौला दा वास्ता। नहीं नहीं, अब आपने जो चैलेंज किया था करे ना, जरा चैलेंज करे। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ आपको, ये क्या हुआ? टुरिया ही नहीं जा रहा। अच्छा, टुरिया नहीं जा रहा। बट साहब सॉरी, बट साहब मैं अम्मी को जाना।